बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। तो आज आपको लग रहा होगा ये भी कोई मिल्क का आइटम है, तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रोटीन शेक, जो बहुत महंगा मिलता है, लोग बाहर जाके पीते हैं, बहुत एक्सपेंसिव उसके गिलास होते हैं और जो बेहद हेल्दी है, स्पेशली वो जो लोग वर्कआउट करते हैं, स्पेशली लड़के लड़कियाँ और जो भी डाइट करते हैं उनके लिए बेस्ट 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 और हेल्दी है। तो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं तमाम नट्स, जो जो आपके घर में नट्स अवेलेबल हो और जो हेल्दी हो सेहत के लिए, वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने लिए हैं बादाम, इसमें तकरीबन 14-15 जो है इसके अंदर बादाम है जो भिगोए हुए हैं मैंने, और 3 अदर डेट्स हैं ये भी मैंने भिगोई हुई हैं। भिगोने के बाद होता है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, और अगर आप ऐसे ही बनाएं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये होता है कि ये थोड़ी हार्ड होती है। खजूर भी भीगी हुई है, इसके अलावा इसमें ये अखरोट हैं, अखरोट भी 6 से 7 अदद हैं, ये भी भीगे हुए हैं, ये देख सकते हैं। पिस्ता, पिस्ता भी भीगा हुआ है, ये भी थोड़ा सा लिया है मैंने, 1 टेबलस्पून लगा ले। हनी है 1 टेबलस्पून लिया है, और ये चारों मगज हैं, ये भी मैंने 1 टेबलस्पून लेके इसे भिगो दिया था, ताकि जब ये ग्राइंडर में मैश हो तो अच्छे तरीके से बिल्कुल मुलायम हो जाए, ताकि मुंह में नहीं आए। इसके अलावा ये मिल्क है, तकरीबन हाफ हाफ लीटर ये मिल्क है, तो 2 गिलास मुझे बनाना है। तो अब हम आते हैं इसके बनाने की तरफ। खजूर की वजह से इसमें ऑलरेडी बहुत मीठा हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा हनी फ्लेवर के लिए डालूंगी। अगर आपको ज़्यादा मीठा नहीं पसंद तो आप इसमें से हनी को स्किप कर सकते हैं। अब हम ये सारी चीज़ें ग्राइंडर में डालेंगे और फिर इसको हम अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे। 2 तरीके, जो लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं, मैं इसमें 2 अदद गिलास बना रही हूँ, जो लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं वो लोग गर्म दूध में पियेंगे इसे, और जो लोग ठंडे मतलब जिनके इलाकों में गर्मी है वो लोग जो है इसमें बनाना डाल सकते हैं और थोड़ी सी आइस डाल सकते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर सर्दी में पी रहे हैं आप तो गर्म दूध में पियेंगे, और अगर आप गर्मी में पियेंगे तो इसमें 1 बनाना शामिल करके और थोड़ी सी आइस डाल के फ्लेवर के लिए आप इसे 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो। मैं दोनों तरीके से बना रही हूँ, तो मिलते हैं इसे बनाने के बाद। ये जूसर ग्राइंडर ले लिया है, इसमें सारी चीज़ें मैं शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोटीन शेक है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। खजूरें बिल्कुल मुलायम हुई हुई हैं भीगने के बाद, वो इसमें शामिल करेंगे। तमाम बादाम जो भीग के छिलका मैंने इसका रिमूव किया हुआ, पील ऑफ कर दिया इसको, वो भी शामिल कर देंगे। और इसमें साथ ही हम जो है हनी को शामिल कर, हनी में ज़रा टाइम लगेगा, थोड़ा सा इसके अंदर हम शामिल करेंगे पानी, और थोड़ा साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी दूध, और अब इसको ग्राइंड करके फिर मैं आपको उसका पेस्ट दिखाती हूँ। जी आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम नट्स का जो है वो पेस्ट बना लिया है, पेस्ट बना के मैंने 2 गिलासों में निकाल दिया है। तकरीबन इसमें 4 गिलास बनते हैं, जो भी नट्स लिए हैं मैंने, डेट्स ली हैं। इसमें बहुत मज़े का ये प्रोटीन शेक बनता है, और ये देखेंगे अच्छे तरीके से ये पेस्ट आ चुका है। इसमें मैं गर्म मिल्क शामिल करूंगी, हॉट मिल्क, ताकि सर्दी में पीने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है अगर आप एक गर्म दूध में पिए, और अगर गर्मी है तो आपको पता है गर्म दूध में अच्छा नहीं लगता। तो ये 1 अदद केला जो है ये दूसरे वाले में मैं शामिल करूंगी फ्लेवर के लिए, ताकि बच्चे केले के फ्लेवर के साथ, या जिन लोगों को पसंद नहीं है नट्स का फ्लेवर, वो केले के फ्लेवर के साथ आराम से ये पी सकते हैं। तो इसमें मैं केला शामिल करके इसको दोबारा ग्राइंड करती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। जी तो ये बनाना के साथ गर्मियों के लिए जो है प्रोटीन शेक रेडी है, सारे नट्स हैं, बहुत हेल्दी, बहुत ही मज़े का, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि बहुत हेल्दी ड्रिंक है और बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, और हमें ये भी नहीं पता होता वो कितने नट्स डालते हैं कितने नहीं। और ये जो है सर्दियों के लिए गर्म दूध में मैंने बनाया है, जिसमें मैंने खजूर और थोड़े से नट्स लगा दिए हैं। तो ज़रूर दें अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अगर बच्चे नट्स का फ्लेवर पसंद नहीं करते तो उन्हें बनाना, एक बनाना शामिल करके दे सकती हैं, ताकि बनाना फ्लेवर फ्लेवर में आ जाए। और सर्दियां हैं तो ये गर्म दूध में हम दे सकते हैं, बहुत ही मज़े का है। ज़रूर आना, मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, पसंद आई नहीं पसंद आई, आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इसके बहुत फ़ायदे हैं। इसी प्यार और इसी मोहब्बत के साथ हम मिलते रहेंगे। सर्दियाँ आ रही हैं, नट्स खाने का बहाना चाहिए, तो ये सबसे बेस्ट बहाना है। दूध के साथ एक तो नट्स की तासीर ठंडी हो जाएगी, दूसरा वो आप गुदाने वाले भी नहीं निकलेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी इस ड्रिंक के साथ आपकी दुआएं चाहिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे ज़रूर 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 क्लिक करें और कमेंट करें। इसी मोहब्बत और इसी प्यार के साथ मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।